आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पे एक महान गायक शशि भूषण जी की टीम से हमारी मुलाकात हो रही है, जो सभी जगह पे जाके बाबा साहब के परचम को बहुत अच्छे से लहराते हैं, और पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, उनके अर्धांगनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात बताइए, आप जो आज ये काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? इधर आ जाइए आराम से, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, तो आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं वो बताएं जरा। जी, हम देश में सभी राज्यों में लगभग जाते हैं, जितने भी राज्य हैं सभी में जाते हैं हम जी। अपना शशि भैया हैं हमारे, और इन्हीं के साथ हम गाते हैं जो भैया। आप जगह जगह पे जाते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आपको कैसा महसूस होता है कि वहाँ की फीलिंग, वहाँ के लोगों से मिलना कैसा लगता है सर? देखिए, वहाँ लोगों से मिलना वो तो अच्छा है, लेकिन हम गीत के माध्यम से अवेयरनेस कर रहे हैं सब लोगों को, बिल्कुल सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, उसके ही लिए हम पहले शशि जी अकेले ही गाते थे और उनके साथ आप देखने में नजर आते थे, लेकिन आज उनका करीबन 20 से 25 30 लोगों का टीम पूरा रहता है, तो कैसे मैनेज करते हैं इतना सारा लार्ज स्केल पे? सर कर लेते हैं मैनेज। कैसे करते हैं? वो हो जाता है, जब करने के लिए तैयार होते हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ निखिल जी भी हैं। निखिल जी, आप क्या करते हैं पहले तो ये बताएं। मैं अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी, अभी फिलहाल मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। ओके निखिल जी, एक बात बताएं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो आपको कैसा लगता है जब बाबा साहब के जगह 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 प्रोग्राम्स करते हैं आप लोग? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं जी। हमारे शशि भाई हैं, हमारे टीम के लीडर हैं जी, जो हमें लीड कर रहे हैं, साथ साथ अपने हर जगह प्रोग्राम में लेके जाते हैं, जिससे हमको देखने को मिल रहा है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं। दीपक जी, एक तो अपने बारे में बताएं, दूसरा ये बताएं कि शशि जी से मुलाकात अभी कब कहाँ कैसे हुई, है ना, और आपको कैसा लग रहा है शशि जी से मिलके? और ये जो शशि जी हैं, ये बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, तो उनमें क्या रहता है, मतलब कोई स्वार्थ रहता है या क्या रहता है वो बताएं। सबसे पहले मैं जय भीम नवोदय करना चाहूँगा सभी साथियों को। शशि भैया जी सभी को सम्मान लेके चलते हैं, और हमारी जहाँ भी टीम जाती है, शशि भैया की जहाँ भी हम जाते हैं, बहुत ही वहाँ पे शांति से हमारे संगीत को सुनते हैं, और बाबा साहब का प्रसार हम जगह जगह फैलाते हैं, हर एक हरे गांव में जा जाके हम प्रसार करते हैं, और बहुत ही अच्छा सिंगिंग करते हैं, हमारी टीम बहुत ही अच्छा काम वर्क करती है हमारी टीम। ये पूरी क्षमता म्यूज़िकल ग्रुप की टीम है, और अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे शशि भूषण जी को फॉलो कर सकते हैं और इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बाबा साहब के मिशन को रुकने नहीं देना है, उसको कंटिन्यू आगे लेते हुए चलना है, और जो शशि जी ने ठाना है पूरे देश विदेश तक बाबा साहब के परचम को लहराने के लिए, हमारी SM न्यूज़ से बात करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।